पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन। जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड, तो मेरा यही है कि इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। और आर्मी स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा सके, या आर्मी लगाना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल आर्मी इस टाइम नहीं लगाना चाहेगी, और आर्मी इतनी स्ट्रांग पेज पे भी नहीं है। Education, only for education, where you want to go, where you prefer to want to go, India or Pakistan? For education. For education, because that we... It's your opinion, but I think Indian drugs and Indian medical system is much better than Pakistani system, and I am also a Pakistani, but reality is that. I cannot mention all the drugs that the Pakistan make, especially we can name some drugs that the Pakistan produce, but we know India is a powerful country in the world. Survive nahi kar payenge, aur ye unko bhi pata hai. कि हम ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और ये उनको ये भी पता है कि हम अब लगा भी नहीं पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। और उनको ये पता है कि हम वैसे भी पाकिस्तान में 3 मार्शल आर्ट्स लग चुके हुए हैं, और यूएन का वैसे भी एक पॉइंट है कि जिस मुल्क में 4th मार्शल आर्ट या इस तरह की कुछ स्टेज हो जाएगी उसको वो जो राइट्स हैं वो उनके वैसे ही खारिज हो जाएंगे। का पेशा है हमारा, मुसलमानों का पेशा नहीं है, वो ये करते नज़र नहीं आ। उसको चीज़ ले लो, 1 रुपए की चीज़ है ना, 1 नंबर चीज़ मिलेगी। हमारे मुल्क में ले लो, 2 नंबर मिलेगी। इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम है वो ईमानदार नज़र आते हैं, इस टाइम होते नज़र आते हैं। देख लो तुम, असल चीज़ मिलेगी। चीज़ होता है स्टडी से रिलेटेड, और 4% बजट जो हमारा रिलीज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड, ये इतना हमें बजट नहीं चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आर्मी को चाहिए कि किसी एंड पे 71% बजट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए अपने बजट को, ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। सो कॉल्ड सिर्फ आर्मी ही नहीं इस मुल्क में चलनी चाहिए। अच्छा, बहुत हमारा इमरान खान है, उसकी अरेस्ट पे आप ये देख लेना था कि आपको 142 पे इस टाइम हमारी जो कंट्री है 142 पेज पे वो चली गई है। इस टाइम हम युगांडा से भी दुख वाली बात है, लेकिन इस टाइम हम युगांडा से भी नीचे चले गए हैं, किसी ना किसी एंड पे हम युगांडा से भी इस टाइम नीचे चले गए। सूद खत्म हो जाए, अगर सूद यहाँ पे सिस्टम हम खत्म कर देंगे हमारा बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह 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 बेहतर रिजक देने वाला, खैर राज़िकिन, अल्लाह पाक बेहतर रिजक देने वाला है। IMF हमें पैसे भी नहीं ना दे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह तो बड़ा है IMF। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा कंडीशन को देखते हुए अगर बात की जाए मार्शल लॉ की, बहुत सी जगहों से ऐसी बातें नज़र सुनने को नज़र आ रही हैं, मिल रही हैं कि शायद मार्शल लॉ लगने वाला है, क्या आप इसके ऊपर कहने चाहेंगे जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन? जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रिलेटेड, तो मेरा यही है कि इस टाइम आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है कि वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर सके। और यानी आर्मी स्ट्रांग नहीं है कि वो मार्शल लॉ लगा सके, या आर्मी लगाना चाहती है लेकिन वो बिल्कुल आर्मी इस टाइम नहीं लगाना चाहेगी, और आर्मी इतनी स्ट्रांग पेज पे भी नहीं है। और आर्मी के इनसाइड भी कुछ इस तरह के व्यूज़ इस टाइम चल रहे हैं कि आप किसी भी स्टेज पे आवाम के ख़िलाफ़ जाके कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉज लगते रहे हैं उस वक्त आर्मी बड़े स्ट्रांग पेज पर होती थी ऑलवेज़, अब इस टाइम इतने स्ट्रॉन्ग पेज पे नहीं, लेकिन इनसाइड इन्फो आनी भी नहीं चाहिए, और इनसाइड इन्फो हमें ऑब्वियसली बिल्कुल लीक भी नहीं होनी चाहिए। और हम पाकिस्तान की आर्मी भी हमारी है, पाकिस्तान ऑब्जर्वेशन होती है ना, नो डाउट आर्मी कोई भी पाकिस्तान का अदारा है, वो मेरा है, वो आपका, और हम वो अदारा है उसकी रिस्पेक्ट है तो मेरी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि एक ऑब्जर्वेशन पाकिस्तानी पब्लिक की क्या ओपिनियन है, वो भी हमारे लिए बहुत मैटर, वो इस टाइम तो यही मैटर करती है कि हमें इस टाइम सिर्फ इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शंस होंगे तो डॉलर स्टेबल होगा। IMF जो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेके इस टाइम बैठी हुई है, और वो जो सो कॉल्ड इस टाइम इसहाक डार साहब की एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब अगर IMF हमसे डील नहीं भी करती तो हम फिर भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, ये सो कॉल्ड ओपिनियंस हैं। और मेरे ख्याल से मुल्क, आप ऑब्वियसली आप मुझे खुद बताएं, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ कि आपका घर में अगर खाने को पैसे ना हो तो आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करेंगे? कभी भी आप नहीं करेंगे, सबसे पहले आप बेसिक नेसेसिटीज़ को अपनी फुलफ़िल करेंगे, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। आप इस टाइम ऑल ओवर द अपने कंट्री में देख लें, बहुत सी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हमारी आ रही है, और हमारे जो इस टाइम 4% बजट जो रिलीज़ होता है स्टडी से रिलेटेड, और 4% बजट जो हमारा रिलीज़ होता है हेल्थ से रिलेटेड, ये इतना हमें बजट नहीं चाहिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है। और आर्मी को चाहिए कि किसी एंड पे 71% बजट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए अपने बजट को,
ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। सो कॉल्ड सिर्फ आर्मी ही नहीं इस मुल्क में चलनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों से हम बात करते हैं, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन ऐसी सोच के भाई हेल्थ के ऊपर काम करो, एजुकेशन के ऊपर काम करो, डेवलपमेंट असल में तभी आएगी, ऐसी सोच जो है बहुत कम सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से बात करके। ये सोच आम पब्लिक में क्यों नहीं आती, हम ये जज्बाती नारों में क्यों आ जाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे यहाँ पे डिमांड ये क्यों नहीं की जाती कि हेल्थ सेक्टर में बेहतरी लाई जाए, एजुकेशन को बेहतर किया जाए, उसका बजट बढ़ाया जाए। आप मेरे ख्याल से स्टडी आपकी हुई होगी कंप्लीट, इसलिए आप ज़्यादा ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक है वो सिर्फ इस बात का ही है कि हमारी स्टडी जो है बेस, आप अपना देख लेना, टोटल आप देख लें, अगर हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो आकर इस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ डाल देते हैं कि जब बच्चा 15 साल का होगा, 16 साल का होगा, उसको बच्चे को सिर्फ और सिर्फ वो घर वाले ये कहेंगे कि जाओ कमा के लाओ, रेंट देना नहीं है, जाओ करके लाओ, हमने ये करना नहीं है, जाओ करके लाओ, ये उसका बेसिक राइट यहाँ से इन्फ्रिंज हो जाता है। और ये बेसिक राइट उसको मिलना चाहिए जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलता है यार, ये कोई हमारे लिए कोई एहसान नहीं होगा गवर्नमेंट का। हम अगर कहें कि ये हमारे लिए कोई एहसान है गवर्नमेंट का, हम उनको देते हैं टैक्स और वो टैक्स लेते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, और टैक्स को लेना भी उनकी जिम्मेदारी है। हमें ये कहना कि टैक्स वो नहीं देते या मेरी पब्लिक ना, वैसे हम बात करते हैं कि वहाँ पे कश्मीर में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो गई, बर्मा में, फलस्तीन में वायलेशन होगी, पाकिस्तान में इस टाइम वायलेशन नहीं हो रही क्या ह्यूमन राइट? आप परसों के अरेस्ट पे, आप जो हमारा इमरान खान है उसकी अरेस्ट पे आप ये देख लेना था कि आपको 142 पे इस टाइम हमारी जो कंट्री है 142 पेज पे वो चली गई है। इस टाइम हम युगांडा से भी दुख वाली बात है, लेकिन इस टाइम हम युगांडा से भी नीचे चले गए हैं, किसी ना किसी एंड पे हम युगांडा से भी इस टाइम नीचे चले गए हैं। और इस टाइम हमारे इंसाफ का भी हमें पता है कि 171 पे हम फॉल कर रहे हैं, 141 से हम 171 पे फॉल कर रहे हैं, ये हमारी अपनी कमजोरियां हैं। आज आज एक पेज पे कौम खड़ी हुई है और उस पेज पे कौम को खड़े होने दें और चलने दें, और एक उनको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इलेक्शंस प्रोवाइड करें ताकि अपनी मर्जी से एक पब्लिक जो यहाँ पे डेमोक्रेसी है उसको जिसको भी सिलेक्ट करें यार, जिसको भी, मेरे ख्याल से आपको कर लें यार, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वोट ज्यादा होंगे तो मेरा राइट है, आपका राइट है, किसी को भी सिलेक्ट कर ले। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान ने ही आना है या किसी ने भी आना है, कोई भी आ जाए, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी हमारी 22 करोड़ 24 करोड़ 26 करोड़ जितनी भी है उसके साथ, मेरा अपना एक पॉइंट डिफरेंट है क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पाकिस्तान की आबादी कोई 28 करोड़ है, ठीक है, वो अब सिर्फ इसी वजह से कि हम MNAs को जो डिफरेंट वो हैं अलग-अलग ना कर सकें, जिसकी वजह से कराची में भी इस टाइम कैलकुलेशन सही नहीं हो रही है, वो MQM का पॉइंट नहीं है, वो एक ऑल आम पब्लिक का पॉइंट है कि जैसे अगर बात करें कि पूरी दुनिया जो हमें इस टाइम जिस नज़र से देख रही है, हमारी आर्मी को जिस नज़र से देखा जा रहा है, हमारे लिए भी दुख वाली बात है, कभी कहीं से अमेरिका से स्टेटमेंट आती है, कभी कहीं से स्टेटमेंट आती है, कभी इंडिया की मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं, और उनका कोई कसूर नहीं, मैं तो बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, उनका क्या इंडिया का कोई कसूर है? कोई कसूर नहीं है, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का नाम लेना, इमरान खान ने अगर एक बंदे का नाम लिया है तो हम क्यों नहीं उस पर इंक्वायरी करवा सकते? हम ये क्यों इस बात को इस बात पे ले आते हैं कि आपने पूरी आर्मी को छेड़ दिया? ये अगर उसने एक बंदे ने बात की है यार, मैं भी किसी को भी कह सकता हूँ, मैं मेरा राइट है, ये एप्लीकेशन मैं अगर एक अपने पुलिस स्टेशन में दायर करूँगा किसी के खिलाफ, तो पुलिस का सबसे पहला राइट है कि मुझे वो इंक्वायरी करे, ठीक है। और अगर आर्मी से मुतल्लिक अगर हमने बात भी कर ली है, वो हमारी आर्मी है यार, वो किसी की आर्मी नहीं है, आर्मी के रिलेटेड नहीं, हमने उस शख्स सिर्फ के? सिर्फ उस शख्स से रिलेटेड बात की है जो अभी जिस पे भी है, जिस मर्जी पॉइंट पे, हमें नहीं पता कि किस क्या उसका रैंक है, क्या उसकी स्टेज है, लेकिन आर्मी को एक थोड़ा सा पॉइंट तो चाहिए ना कि इसको भी बैठाए, उसे भी बैठाए। आपने किस पॉइंट से ये बात किया यार? हम जिस कंडीशन में हैं, जिस पोजीशन में हैं, अल्लाह ना करे माशाल्लाह लगता है तो मजीद कितने साल पीछे चले जाएंगे, क्या हम दुनिया से वाकई रिवर्स गियर में नहीं चले जाएंगे? मेरे ख्याल से इस टाइम तो हम वैसे भी 100 साल 150 साल तो पीछे हैं, और दुनिया डेवलपमेंट की, एजुकेशन की बात कर रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ अच्छा है, इमरान खान चोर है, और हमें ये पता नहीं चल रहा कि हम कितना अपना नुकसान कर रहे हैं, कितना पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। वक्ती तौर पे जज्बाती स्टेटमेंट हम दे सकते हैं या दे रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए, तो नुकसान हमारा अपना है। क्या कहते हैं अगर अल्लाह ना करे मार्शल्ला आती है, या आप कहते हैं आज मार्शल्ला? नहीं, मेरे ख्याल से मार्शल्ला नहीं आएगा, जो मेरा पॉइंट है वो मार्शल्ला नहीं आएगा, मार्शल्ला ना कर नहीं सकता, अगर मार्शल्ला आ जाता है तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और ये उनको भी पता है कि हम ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और
ये उनको ये भी पता है कि हम अब लगा भी नहीं पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। और उनको ये पता है कि हम वैसे भी पाकिस्तान में 3 मार्शल आर्ट्स लग चुके हुए हैं, और यूएन का वैसे भी एक पॉइंट है कि जिस मुल्क में 4th मार्शल आर्ट या इस तरह की कुछ स्टेज हो जाएगी उसको वो जो राइट्स हैं वो उनके वैसे ही खारिज हो जाएंगे। अब वो यूएन के राइट्स हम क्यों लेना चाहते हैं, गोरे के साथ हम क्यों जीना चाहते हैं, ये हमें उनसे डॉलर लेना है ना, हमने वहाँ IMF से चलना है, दुनिया के साथ चलना है, अदरवाइज दुनिया हमें बायकॉट। इस टाइम इम्पोर्ट बंद हुई हुई है, इस टाइम एक्सपोर्ट बंद है, इस टाइम लोगों के पास खाने को नहीं है, ये इनको समझना चाहिए इस बात को। सारे के सारे एक ही अल्लाह के पैदा हुए हुए बंदे हैं यार, आपको भी वही खाने को मिलता है, वो उनको भी वही खाने को मिलता है, कोई आप अलहदा नहीं है, हम भी वही हैं, आप भी वही हैं, सब वही हैं। तो काइंडली हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार किसी एक पेज पे बैठ के तो काइंडली इलेक्शंस की तरफ पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान की आवाम का सोचें। अच्छा लगा इनसे बात करके, जो इनकी सोच थी कि भाई एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, हेल्थ के ऊपर बात होनी चाहिए, डेफिनेटली ऐसी सोच के लोग, ऐसी सोच की यूथ अगर मौजूद होगी पाकिस्तान में तो ही शायद कुछ चेंज आएगा, अदरवाइज हम नारे लगाते रहेंगे, इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, चूरन बेचते रहेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रजा अहमद। आपका नाम? नवीद अहमद। क्या करते हैं आप? हम ये हमारा काउंटर है मोबाइल कवरों का, बिजनेस करते हैं। जी जी, हम आलम जो इस टाइम कंडीशन है पाकिस्तान की, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने है, कस्टमर आ ही नहीं रहा, बहुत महंगाई हो गई है। अच्छा जी, इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए इस टाइम अगर फ्यूचर की बात करें, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद फिर से मार्शल्ला का कोई माहौल बनेगा, फिर से आर्मी जो उनसे है वो टेक ओवर करेगी, या इस तरीके से आर्मी दोबारा से कंट्रोल करेगी पाकिस्तान को, क्या आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान? हम तो ये कहते हैं जो मर्ज़ी आ जाए लेकिन आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, गरीब आवाम के लिए रिलीफ होना चाहिए, जो भी आता है अपनी जेब में भरता है और चला जाता है और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसे नहीं, पाकिस्तान 75 साल से हम यही देखते आ रहे हैं, कभी कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, फिर वो उससे अगले पे इल्ज़ाम लगाता है, जिसकी भी गवर्नमेंट आती है वो कहता है पास में ये हो गया, पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, हम बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, इल्ज़ाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाई जाए। भाई हमारा ईमान कमज़ोर है, सिर्फ हमारा ईमान कमज़ोर है, हम ईमान वाले हो जाए ना, दीन की तरफ चले ना, तो सारा कोई मामला सीधे हो जाए। अच्छी बात है, दीन की तरफ जो जो जिसका मजहब है वो करना चाहिए। देखो ना, एक ये चीज है, की बात करें, वो अगर एक दूसरे कंट्रीज वो एक लादा है, वो एक इल्जाम लादा है, जो आदमी जो सियासतदान जो बीजेगा वो ही बढ़ेगा, वो जैसा करेगा वैसा। हाँ जी, ये पिछली हुकूमतों ने जो कैसा किया वो भुगत रहे हैं, ये इमरान खान जो कर रहा है ये भुगत रहा है, इमरान खान क्या भुगत रहे हैं या गवर्नमेंट भुगत, तो मैं रहा हूं, भुगत आप रहे हैं, पब्लिक भुगत रही है। वो तो है ना भाई, ये देखें हम लोग केड़े माड़े लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोग, वो परेशान है, एक मजदूर की आदमी 700 दिहाड़ी है, वो दूध ले जाएगा, सब्जी ले जाएगा, कुछ भी नहीं ले जाएगा, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, वो भूखा ही रह जाएगा। चेंज मतलब कुछ चीज़ें चेंज होंगी पाकिस्तान में, बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, हम ऐसे ही इल्ज़ाम लगा मुश्किल देश दी भी है पाकिस्तान में, मुश्किल देश दी बेहतरी वाली काम है ही कोई नहीं था ना। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, कोई चेंज आने की उम्मीद है या मैं आप इल्ज़ाम लगाऊंगा आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे, या फिर हम ये एट दी एंड जब कुछ नहीं मिलेगा हम ये कह देंगे ईमान कमज़ोर है? भाई ने बहुत प्यारी बात की है, हमें कुछ चेंज होता नज़र नहीं आ रहा, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इस्लामी कानून नाफज़ हो, इस्लामी कानून, जो चोरी करे उसके हाथ काटते हैं, जो कुछ भी करे उसका बदला उसी तरह के मुताबिक, जो के मुताबिक और दीन कुरान के मुताबिक यहाँ पे जो है ना इस्लामी कानून नाफज़ हो, सूद खत्म हो जाए, अगर सूद यहाँ पे सिस्टम हम खत्म कर देंगे हमारा बैंकिंग सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अल्लाह 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 बेहतर रिजक देने वाला, अल्लाह खैर राज़िकीन, अल्लाह पाक बेहतर रिजक देने वाला है। IMF हमें पैसे भी नहीं देगा, ना दे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह तो बड़ा है IMF, जब इस्लाम की तरफ टूरेंगे ना, सूद खत्म करेंगे ना, अल्लाह ऑटोमेटिक गैबी मदद भेजेगा। मेरा स्टांस ये, यहाँ पे फिर बात को खत्म करते हैं, आपका बिजनेस का भी टाइम है, हर जोरा का एक मेरा सवाल है, हम हमेशा ये कहते हैं हम इस्लाम से हट के, मजहब से हट के, नो डाउट हमें उसको फॉलो करना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ मुझे इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर चीज़ में हम मजहब को क्यों ले आते हैं? इसराइल की मैंने आगे बात की है, दूसरे कंट्रीज हैं, दूसरी स्टेट्स हैं, वो अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, वो तो मुसलमान भी नहीं है, वो तो इस्लाम को फॉलो भी नहीं करते, वो फिर भी आगे जा रहे हैं, तो फिर क्या वो जो काम कर रहे हैं ना गैर मुस्लिम, वो साडे मुसलमान वाले काम उन्होंने वेचने, उन्होंने वाले काम साडे वेचने, उससे बेहतर तो वो हो गए। हाँ जी, हमारे तो बेहतर वो हैं, हम एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, गंदी इल्ज़ाम लगाते हैं, ये उनका पेशा है, हमारा मुसलमानों का पेशा नहीं है,
वो ये करते नजर नहीं आ। उसको चीज़ ले लो, एक रुपए की चीज़ है ना, एक नंबर चीज़ मिलेगी। हमारे मुल्क में ले लो, दो नंबर मिलेगी। इसका मतलब है जो नॉन मुस्लिम है वो ईमानदार नजर आते हैं, इस टाइम होते नजर आते हैं। देख लो तुम, असल चीज मिलेगी। साढ़े मुल्क में लो कुछ ही लेने ले चले, तुम मिलावट वाली चीज मिलेगी। एग्री करते हैं आप इनकी बात? जी जी हम एग्री हैं। तो क्या वजह है, एक तरफ हम पूरी दुनिया के इस्लाम के मजहब के ठेकेदार हम बनते हैं, पाकिस्तान जी कहीं पे कुछ होता है हम खड़े हो जाते हैं, दूसरी साइड पे आप ही कह रहे हैं कि हम दो नंबर ही करते हैं, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। साढ़े नबी ने फरमाया ना कि ये तुम हो जाओ हुक्मरान, असी हर चीज़ तो पिछे हट गए, साढ़े सारिया चीज़ा पाई गई, असी जेब कटने बेहन में दस रुपये पैन असी चुप कर जेब पा लें कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, ऐ सिस्टम चलता पाया साढ़े मुल्क, सिस्टम ही चलता पाया, गलत सिस्टम है। ये सब चोर है, सारे हुक्मरान चोर है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, ये सारे सारे चोर हैं। नहीं देंगे, हमारे लीडर हैं, लीडर सारे चोर हैं। इनको सबको हदायत ता फरमाए, इनको हमसे दूर ले जाए, इनको हदायत नहीं आ सकती। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वैसा लीडर है। देखे एट दी एंड मैं भी पाकिस्तानी हूँ, ये भी पाकिस्तानी है। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देखें जैसे अभी हम पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर मार्केट में खड़े हैं, लाहौर की बहुत मशहूर मार्केट में खड़े हैं, और यहाँ पे कंडीशन ये बिजनेस चल नहीं रहा और लाइट भी अभी नहीं चल रही। ये चीज़ें हैं, अगर हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे हर चीज़ में, हम मजहब को या इन चीज़ों को ले आएंगे तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। हमें चाहिए हम प्रैक्टिकली पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल वासे। अब्दुल वासे, क्या करते हैं आप? आई एम स्टूडेंट हियर। आई एम टुडे आई एम कवरिंग दिस वीडियो बिकॉज ऑफ प्रेजेंट कंडीशन इन पाकिस्तान। व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान प्रेजेंट कंडीशन? बिकॉज आई एम मेडिकल स्टूडेंट, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। एज आई थिंक इन दिस टू डेज इन पाकिस्तान देयर वर so many students that they didn't come in the class because of this situation. I think it completely constrict the education doors on the students. What you think about education system, education level in Pakistan? I think because of good education of Punjab, province of Pakistan, we Afghans are coming from Kabul here for continuing education here, and also for preparation the international medical license examination. You are from Afghanistan? Yes, I'm from Afghanistan, I'm from Kabul. Very good. What Afghani people think about Pakistan, common people? I cannot represent or present all people, all Afghan people. Talking about your opinion. Yeah. In my opinion, medical students who are in a medical categories, they select Punjab because of it is good educational centers for training the doctors. And we think Punjab province of Pakistan is the good place for learning and for education. No doubt. But for education, only for education, where you want to go, where you prefer to want to go, India or Pakistan? For education. For education, because that we can get the Pakistan visa soon, and it is... it's easy to get Pakistani visa. No. Actually, we pay more than $1,000 to get the Pakistani visa, and it is the problem, and we suggest the government of Pakistan to please pay attention. We cannot get the Pakistani visa as it is rates, that is $60. We pay more than $1,000 for receiving the Pakistani visa. All the countries, you mentioned it, India and other countries, we cannot get the Pakistan this visa because of the current situation of Afghanistan. Definitely. But I think nowadays India and Afghanistan has different projects like student exchange program, and it is... Yes. It has, I think the Pakistan situation, education system and Afghanistan education system is approximately equal. And we can get the lessons very good as our Punjabi friends. You think Indian education system is better than Pakistani system or not? I cannot judge because I haven't traveled to India, but as we know, medical terminology and medicine is same in the world. But Asian countries, especially Afghanistan, Pakistan, India, are good in medicine. Especially Pakistan. Today, you know, the Pakistan produces the drugs that India and all over the Asia can use from the drugs of Pakistan.
It's your opinion, but I think Indian drugs and Indian medical system is much better than Pakistani system. And I am also a Pakistani, but reality is that. So, अभी अजानों का time है, थोड़ा सा हम wind up करते हैं. I cannot mention all the drugs that the Pakistan make. Especially, we can name some drugs that the Pakistan produce. But we know India is a powerful country in the world. Thank you, जी. Thank you. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? राणा इजाज. राणा साहब क्या करते हैं आप? मैं चांदी की शॉप है मेरी छोटी सी. जबरदस्त. इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. वो टॉपिक ये है जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन है. कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि शायद मार्शल पाकिस्तान में फिर से आने वाला है. क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नहीं, मार्शल नहीं, असल ये सारी क्रिएट इसलिए की है कि इलेक्शन ना हो. वो इलेक्शन से बाहर ही सारा ये पीडीएम की हुकूमत का करता धरता जो भी है मसला. फौज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, 90% कह लें ये इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके बगैर. इसके अलावा बात ये है ना कि एक उसको गिरफ्तार करके आप 23 करोड़ में 17 करोड़ बंदों को गिरफ्तार कर रहे हैं किस्म का. आपको लगता है 23 करोड़ में से 17 करोड़ जो पब्लिक है वो इमरान खान साहब के? 100% है, क्योंकि अगर वो तो इलेक्शन करवा के देख लें. इलेक्शन आप बाय इलेक्शन हुए, आप उसका रिजल्ट देख लें. लाहौर से सीटें, हालांकि ये किला था नून लीग का, इसमें से ली है. बात ये है ना, अब लोगों को शौर आ चुका है. कई शौर था जो हमने सड़कों पे तोड़फोड़ की, अपनी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया, आग लगाई. बात सुन ले, उसने पेशी से कबल तकरीर की, आपने सुनी होगी कि भाई मुझे वारंट दिखाएं, मैं गिरफ्तार तैयार हूँ. फिर इन्हें इतना वो तोड़फोड़, हाईकोर्ट के शीशे तोड़ने क्या जरूरत थी? यही तो मैं बात कर रहा हूँ. आप कह रहे हैं इन्होंने ये किया, एक मिनट, उसका रिएक्शन जाहिर है कि हर बंदे के अपने अपने होते हैं जज्बात, तो उसमें कुछ भी हो सकता है. अगर आप एक किसी को थप्पड़ मारते हैं ना, अब बाद में वो 10वीं थप्पड़ मारेगा ना, तो जिसने एक मारा उसका, जिसने छेड़ा है या जिसने हाँ पहले... बात ये है. तो ये जो ये न्यूली के पटवारी है ना, इनका बस अल्लाह ही आफत है. आप ये देखें, आप पूरा मुआवजा करके देख लें, जितने अनपढ़ रेडी मार रिक्शा वाले, जिनको यहाँ के तालीम की कमी है ना, या स्कूल का, हाँ, जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो जी शेर भागा हुआ शेर भी लंदन में है. वो शेर मैं बात कर रहा हूँ ना, हम देखें हर एक हमें तो ये कहा जाता है, बताया जाता है डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, कोई नून लीग को सपोर्ट करे, कोई पीटीआई को सपोर्ट करे, कोई टीएलपी को सपोर्ट. बात ये ना, अब ये देखें, जो भी है जितना भी है, अब नून लीग वाले भी कहते हैं कि यार वो करप्ट नहीं है, उसने कोई चोरी डाकू नहीं की, मारा नहीं है, मुल्क को लूटा नहीं है. अगर उसका जाती वेला को गलत भी है, उसका अपना है, वो अल्लाह का. मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, नून लीग वाले ये कह रहे थे कि टीएलपी ने ये कह दिया है कि हम पीटीआई के साथ हैं. टीएलपी और टीएलपी कह रहा हूँ, टीटीपी ने ये कह दिया है कि हम पीटीआई के साथ हैं. और टीटीपी आपको पता कालदम तो है. बात टीटीपी को कालदम करार दिया किसने, ये भी तो देखे ना, किसने दिया और